चलिए सर स्टार्टिंग करें। कौन सा टॉपिक चल रहा है? कोडिंग और बातचीत करने की ऐसी प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग कहलाती है। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना और संदेश क्या है। ठीक है, कोडिंग करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? कोडर। डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति? कितनी टाइप पढ़ ली? चार। पहली अक्षर कोडिंग, दूसरी संख्या कोडिंग, तीसरी हमने पढ़ी थी शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, और चौथी कौन सी पढ़ी थी? वाक्य अवलेख मिश्रित कोडिंग। आज चलेगी पांचवी टाइप, टाइप फाइव, नाम है प्रतीक कोडिंग। प्रतीक कोडिंग, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, लेटर टू साइन, मतलब कि अक्षरों के कोड चिन्हों के रूप में दिए जाते हैं। कौन से रूप में? तो डालिए हेडिंग टाइप फाइव प्रतीक कोडिंग। प्रकार पांच लिखिए प्रतीक कोडिंग। प्रतीक कोडिंग और प्रतीक कोडिंग में लिखिए इसके अंतर्गत अक्षरों के कोड, इसके अंतर्गत अक्षरों के कोड चिन्हों के रूप में दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत अक्षरों के कोड चिन्हों के रूप में दिए जाते हैं। अच्छा, एक और बात सुनो, जैसे हम बात करें एक के बाद क्या आएगा? दो, दो के बाद तीन, के बाद चार, के बाद पांच, के बाद, मतलब इनका कोई क्रम है? क्रम ही नहीं है कोई। एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, क्रम नहीं है? ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद, क्या इनका क्रम है? देखिए इनका, अच्छा एक और बात, यहां मैंने लगाया स्टार, हैज, एट द रेट, बताओ अगला क्या आएगा? कन्फर्म है? नहीं है? कोई बता सकता है कन्फर्म क्या आएगा इसके बाद? नहीं पता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संख्याओं का क्रम होता है, वर्णमालाओं का क्रम होता है, लेकिन चिन्हों का कोई भी क्रम नहीं होता। और जब चिन्हों का कोई क्रम नहीं होता तो चिन्हों वाली जो कोडिंग होती है ना, वो हमेशा फिक्स कोडिंग होती है। कैसी कोडिंग? फिक्स कोडिंग, मतलब जिसमें कोड फिक्स होते हैं। जिसमें कोड क्या होते हैं? जिसमें हर एक अक्षर के कोड आपको फिक्स मिलेंगे। क्लियर? तो एक तो ये बात याद रखनी है, क्योंकि चिन्हों का कोई क्रम नहीं होता, इसीलिए प्रतीक कोडिंग में आने वाले सवाल फिक्स कोडिंग के होते हैं। बड़े आसान सी चीज है। ठीक है, लिखिए पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन लिखिए। यदि एस ओ एल ई बराबर $54 हैज, $54 हैज तथा डी आई एम ई डाइम बराबर 3% 7 हैज, 3% 7 हैज, तो बताइए एम ओ डी ई एल मॉडल बराबर क्या होगा? तो बताइए मॉडल बराबर क्या होगा? एम ओ डी ई एल मॉडल बराबर क्या होगा? अब देखिए सर, इस प्रश्न में मैंने आपको अभी बताई थी एक चीज,
क्या बताई थी कि सर जितने भी प्रतीक कोडिंग में सवाल आएंगे सब कैसे होंगे फिक्स कोडिंग के। अब फिक्स कोडिंग का कैसे पता चलता है, दो तरीके से पता चलता है फिक्स कोडिंग का। एक, यदि चिन्हों का प्रयोग हो रहा है तो आप समझ लेना फिक्स कोडिंग है। दूसरा सर, चिन्हों का प्रयोग नहीं हो तो इधर देखना, ई ई के ई की जगह पर क्या आया कोड, यहां भी क्या है ई, ई की जगह क्या आया, इसका मतलब फिक्स कोडिंग है। यदि अक्षर मिल रहे हैं और उनके कोड मिल रहे हैं तो फिक्स कोडिंग है, एक तरीका। दूसरा तरीका, यदि चिन्हों का प्रयोग हो रहा है तो भी फिक्स कोडिंग है। अब बताओ एम का कोड क्या होगा इस हिसाब से, एम का कोड क्या होना चाहिए, सात। ओ का, डी का, ई का, एल का, 75 3 4 आगे आंसर। बोलो कोई समस्या आई, सबसे सरल टाइप है ये कोडिंग डिकोडिंग की, प्रतीक कोडिंग सीधा सीधा है, सभी कोड फिक्स है पहले से वही रखने। बोलूं अगला क्वेश्चन, एक बार ये नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो फिर अगला क्वेश्चन करा देता हूँ एक बार। करें स्टार्टिंग, लिखिए अगला प्रश्न। यदि एस ए आई डी अगला क्वेश्चन, यदि एस ए आई डी यदि एस ए आई डी बराबर है हैज परसेंट 35, हैज परसेंट 35 35, आर ई डी रेड बराबर है एट द रेट 65, एट द रेट 65, तो बताइए आर ए आई एस ई बराबर क्या होगा। फिक्स कोडिंग के एग्जाम्पल हैं, बताओ करके फटाक से क्या आएगा। ए नहीं बोलते इसको, बोलते हैं एट द रेट, क्या बोलते हैं। आर का कोड क्या होगा, आर का कोड, आर का कोड हो गया एट द रेट। ए का, अच्छा ए आई दोनों का ही ले लो एक साथ, ए आई का क्या होगा परसेंट और 3, एस का और ई का आंसर आ गया एट द रेट परसेंट 3H6। कर लिया, आगे लिखो सेकंड। अच्छा ऐसे सवाल कराने की जरूरत है क्या, नहीं है तो क्या करेंगे, अगली टाइप डालो विविध। अगली टाइप लिखो विविध, और विविध में लिखो, विविध में वो प्रश्न आएंगे जो कहीं नहीं आए अब तक, जैसे प्रकार 6 विविध, और विविध में अपन लिखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा था, एसएससी जीडी में आया था इस बार, है ना, कई सवाल हैं जो इन पांचों टाइपों में नहीं आते, इनके अलावा बनते हैं, इनके अलावा कौन कौन से सवाल बन रहे हैं वो एक बार देख लो, ठीक है। एक सवाल लिखो पहला, यदि यदि किसी सांकेतिक भाषा में
और सी को 10, ए को 8, बी को 9 और सी को 10 लिखा जाता है। और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहता है, और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को 8, बी को 9, सी को 10 लिखा जाता है और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहता है, तो 15, 22, 25, 26, 12 को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए आर ओ एस ई ए, बी एफ आर यू आई टी, सी एच ओ आर एस ई और डी एच आर एस ओ ई। बताइए क्या आएगा? देखिए सर, करना क्या है, इस टाइप का प्रश्न एस एस सी जी डी में पूछा गया था, इस लास्ट वाली भर्ती में। ठीक है, हुआ क्या है कि यहां तो दे रखी है वर्णमालाएं और यहां क्या दे रखी है संख्या, और वर्णमालाओं से संख्या बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ा है? 7। ए कितने पे आता है? 1 पे। लिखा कितना है? 8, तो कितना जोड़ा है? 7। बी 2 पे, कितना जोड़ा? 7। सी 3 पे, कितना जोड़ा? 7। और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहा, मतलब हरेक वर्ण में कितना जोड़ा गया है? 7। हरेक वर्ण में 7 जोड़ के संख्या प्राप्त की गई है। अब हमें क्या करना है, हमें संख्या दी गई है और संख्याओं से पूछा है कौन सा शब्द बनेगा। जब हमें सुनना, जब हमें वर्णमाला से संख्या प्राप्त करनी थी तो कितना जोड़ा था हमने? अगर हम संख्या से वापस वर्णमाला प्राप्त करें तो क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे। घटाओ 7, 15 में 7 गए तो 8, 22 में 7 गए तो 15, 18, 19 और 5, 8 पे क्या आ गया? H, 15 पे O, 18 पे, 19 पे और 5 पे H O R S E, हॉर्स। हॉर्स मतलब ये आ गया सर। तो ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका है, ऐसी बात नहीं है कि नया हो बिल्कुल। और लिखिए, लिख लिया, लिखो अगला प्रश्न। यदि किसी वैसे लिख दो, यदि यदि ए को सी, बी को डी और सी को ई कहा जाए, सुरेश कुमार मीना कोई है ही नहीं यहाँ, सुरेश यहीं पे हैं सब, है ना, यहीं खड़े हैं। चलिए, ए को सी, बी को डी और सी को ई लिखा जाए तो बताइए, तो बताइए एस एम ए आर टी स्मार्ट को क्या कहा जाएगा? यदि ए को सी, बी को डी और सी को ई लिखा जाए तो बताइए स्मार्ट को क्या कहा जाएगा? अब यहां आप देख लें, ए को क्या लिख रहे हैं? सी। कितना बढ़ा रहे हैं? 2। बी को डी कितना बढ़ाया? 2। सी को ई कितना बढ़ाया? 2। सब में 2-2 बढ़ा के लिख दो, बात खत्म। बताओ क्या आएगा? सब में 2-2 जोड़ दो, क्या आएगा बताओ? ओ, हाँ, 21, 15, 3, 20, 22। 21 पे यू, 15 पे ओ, 3 पे सी, 20 पे टी और 22 पे। क्लियर? ऐसे पूछ सकता है, या तो वर्णमाला से वर्णमाला और संख्या से वर्णमाला, या वर्णमाला से संख्या कन्वर्ट करवा सकता है। क्लियर है सर?
इस हिसाब से पूछ सकता है। आगे चले, आगे चलते हैं, लास्ट सवाल लिख लो आज का, तीसरा। ओके सर, बिल्कुल। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। कोडिंग रिकॉर्डिंग का बिल्कुल एंड हो जाएगा आज, समाप्त हो जाएगी कोडिंग रिकॉर्डिंग, बिल्कुल लास्ट है। छह टाइप बताई थी, छह करवा दी है, लास्ट में चल रही है। इसमें लिख दो यदि यदि a बराबर दो, b बराबर तीन और c बराबर चार हो, तो यदि a बराबर दो, b बराबर तीन और c बराबर चार हो तो सीता बराबर क्या होगा, s i t a, सीता। तो सीता बराबर क्या होगा, यदि a बराबर दो, b बराबर तीन और c बराबर चार हो तो सीता बराबर क्या होगा। यदि a बराबर दो, b बराबर तीन और c बराबर चार हो तो सीता बराबर क्या होगा, पक्का क्या होगा। कमाल की बात है, ऑप्शन ये दे रखे हैं। कौन सा ऑप्शन है, ए। चलिए ए सही है। देखो तीन तरीके से हो सकता है, या तो वर्णमाला से संख्या बनवा सकता है, या संख्या से वर्णमाला बनवा सकता है, या फिर सीधा सीधा शब्द दे सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, देखो ए कितने पे, दो पे, बी तीन पे, सी चार पे। जब ऐसी स्थिति आई तो देखो क्या हुआ, ए दो पे, एक था दो लिख दिया है, मतलब एक बढ़ाया, तो ये एस कितने पे, 19 पे, एक प्लस करना 20, 9 पे एक प्लस करना 10, 20 पे एक प्लस करना और एक में एक प्लस करना 2, तो कुल मिला के आएगा 20 10 21 2, 20 10 21 2। टॉपिक हो गया द कोडिंग, रिकॉर्डिंग समाप्त हुआ। अब किसी का कोई भी कैसा भी कहीं का भी किसी भी गली का, किसी मोहल्ले का, किसी के रिश्तेदार का कोई भी सवाल हो तो पूछ लो कोडिंग रिकॉर्डिंग में सर। कोई भी कैसा भी कहीं का भी सवाल कोडिंग रिकॉर्डिंग का हो तो पूछ लो, जल्दी पूछो, मतलब घर जाने की जल्दी है तो सवाल भी नहीं पूछोगे। अरे पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है तो, नहीं पूछना कंफर्म, हाँ बोलो। बोल दे सवाल ललिया, कोई बात नहीं मैं अभी बताता हूं। किसी खास कोड लैंग्वेज में एच ई आर आई डी ई ए हैज, अच्छा एक काम करते हैं, इसका फोटो लेके भेज देता हूं मैं अपने फोन पे, है ना, बोर्ड पे आ जाएगा तुरंत, उसे करा देंगे। किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है, देखो सुनो यही तरीका है वास्तव में, तो कि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप टॉपिक ख़त्म होने का इंतज़ार कीजिए, और जैसे ही टॉपिक क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी सवाल कैसा भी रीजनिंग का, हर टॉपिक के एंड में अपन यही करते हैं, हर टॉपिक के एंड में यही काम करते हैं। कोई भी टॉपिक हो उस टॉपिक के एंड में आपको यही मौका दिया जाएगा कि आप कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न रीजनिंग का, टॉपिक से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। क्लियर सर, चलिए देखिए एक प्रश्न पूछा है, मैं अभी बता देता हूं उसे करके।
ये प्रश्न पूछा है अभी, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? चलो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ फिर, ज़्यादा दिक्कत है तो। एक का ही निकाल देंगे कोड, जब एक का आ जाएगा तो सबका ही आ जाएगा। अब भी नहीं दिख रहा होगा, जिस जिसको नहीं दिख रहा है वो आंखों को चेक कर, उनकी आंखों में जरूर यकीनन कोई ना कोई खराबी है। ये रहा प्रश्न, क्या है? किसी खास कोड में हर आइडिया हैज मेरिट का को फो ला बू ना मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड को जो कि ला सी ना और हर नेम डिस्प्लेड देयर को या सी बू जो नेम इज मेरिट लिस्ट को ना या गो की लिखा जाता है तो की क्या दर्शाता है? अब सुनना बेटा, यहां हरेक के लिए देखो एक पर्टिकुलर कोड काम में लिया गया है, यदि आप गौर से देखोगे तो। कैसे? यहां पे चार पंक्तियां मैंने कराए थे, ये वाले प्रश्न याद हो तो कराए थे, तो यहां पर भी वही किया गया है। क्या? जैसे देखो, पहला है ये है और इसका कोड है ये, क्लियर। सेकंड वाला जो है वो है ये, इसके कोड ये रहे हैं। तीसरा वाला जो है वो है ये, कोड ये रहा। और चौथे वाला जो है वो है ये, इसका कोड ये रहा, यहां तक है। तो क्या पूछ रहा है? की क्या दर्शाता है? की कहां पे? की ये रहा की, और कहीं की दिख रहा है क्या आपको? देखो, एक तो इसमें दिख रहा है हमें की, दिख रहा है, एक इसमें भी दिख रहा है की, और कहीं दिख रहा है क्या? अब ये कोड किसका है? इस पूरे का, ठीक है। और की वाला जो है ये वाला, ये इस पूरे का कोड है। इन दोनों में कॉमन क्या है? बोलो जल्दी से। तो की कोड किसका हो गया? दे रखा होगा, गलत। कहाँ है लिस्ट? एक एक मिनट, लिस्ट कॉमन है, मेरिट कॉमन है और लिस्ट कॉमन है, दो है ना। तो अब हमें लिस्ट का और मेरिट का और कहीं देखना पड़ेगा, और किसी में मेरिट या लिस्ट दे रखी है? ये दे रखी, देखो ऊपर वाले में है मेरिट, तो मेरिट इसमें भी है, मेरिट इसमें भी है और मेरिट इसमें भी है। तो तीनों में कोड देखो, जो इसमें कोड होगा और वही कोड इसमें भी होगा, एन ए। देखो बहन जी, देख लो एक बार, एन ए ये रहा, एन ए ये रहा है ना, और एन ए ये रहा। इस मेरिट का एन ए, इस मेरिट का एन ए और इस मेरिट का एन ए। तो एन ए कोड तो दर्शा रहा है किसको? मेरिट को, ठीक है। और के ई कोड किसको दर्शाएगा? लिस्ट को। वही कहानी, आप अलग अलग जब इन्हें लिखोगे तो आपको सारी प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी। बताओ ऐसे सवाल कराए या नहीं कराए? अरे हाँ या ना? याद है 243 दर्शाता है लव इज ब्यूटीफुल, कराए थे, बताया था। यहाँ शब्द समान होगा और यहाँ कोड क्या होगा? अरे एक साइड में शब्द समान और एक साइड में, क्लियर, सेम वही है। आप इनको अलग अलग लिख के आराम से कर सकते हैं। अरे कर लोगे? नहीं कर पाओगे? दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? कर लोगे? तो फिर ढंग से बोलो, हाँ या ना? ठीक है, आगे की बात करेंगे अब कल। कहाँ जा रहा है?